मुरैना, ये सब स्क्रीनिंग कमेटी का काम है। हम हमारी ओपिनियन देते हैं, इसके अलावा हमें नहीं पता चलता कि किसकी कटेगी, किसको मिलेगी। ये स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो लिस्ट लेकर के सीईसी में जाएगी उन्हीं को पता रहता है। बीजेपी की पहली सूची में 7 सांसदों को उतारा गया था, उसकी कार किस प्रकार से देखते हैं? वो तो कटे हुए ही हैं, वो तो चेहरे फीके पड़ गए, उनकी एंटीकमेंसी हो गई, वो एमपी की टिकट के पात्र नहीं रहे, इसलिए उनको उतार दिया कि भाई एमएलए बन जाएं तो ठीक है, नहीं बने तो कम से कम 2024 में तो हम दूसरे सांसद तो ला सकें, वो कुछ बोल नहीं सकें। तो ये 2023 की बीजेपी की तैयारी नहीं है, 2024 की तैयारी है कि हमको नए लोगों को लाना है, इसलिए इनकी टिकट काटने के लिए उनको एमएलए में उतार दिया। डॉक्टर जी, कांग्रेस की सूची आने से पहले ही बगावत हो रही है? कोई बगावत नहीं, कोई बगावत नहीं है, सब साथ रहना, ये सब स्क्रीनिंग कमेटी का काम है। हम हमारी ओपिनियन देते हैं, इसके अलावा हमें नहीं पता चलता कि किसकी कटेगी, किसको मिलेगी। ये स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो लिस्ट लेकर के सीईसी में जाएगी उन्हीं को पता रहता है। बीजेपी की पहली सूची में 7 सांसदों को उतारा गया था, उसकी कार किस प्रकार से देखते हैं? वो तो कटे हुए ही हैं, वो तो चेहरे फीके पड़ गए, उनकी एंटीकमेंसी हो गई, वो एमपी की टिकट के पात्र नहीं रहे, इसलिए उनको उतार दिया कि भाई एमएलए बन जाएं तो ठीक है, नहीं बने तो कम से कम 2024 में तो हम दूसरे सांसद तो ला सकें, वो कुछ बोल नहीं सकें। तो ये 2023 की बीजेपी की तैयारी नहीं है, 2024 की तैयारी है कि हमको नए लोगों को लाना है, इसलिए इनकी टिकट काटने के लिए उनको एमएलए में उतार दिया। डॉक्टर जी, कांग्रेस की सूची आने से पहले ही बगावत हो रही है? कोई बगावत नहीं, कोई बगावत नहीं है, सब साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।